कराची की आयरन मार्केट और टिम्बर मार्केट के ताजरों को दुकानें खोलना महंगा पड़ गया। मकामी अदालत ने ताजरों को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया है। गैर इजाजत मार्केट्स खोलने, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और ताजरों को उकसाने से मुतालिक केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी कराची की अदालत में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार ताजर रखनुमा हमाद पूनावाला समेत दीगर मुलजिमान को अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिमान पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हंगामा आरई और लोगों को उकसाने का इल्जाम है। अदालत ने ताजरों के वकला की जानिब से दायर दरखास्तें जमानत मुस्तरद करते हुए गिरफ्तार 6 ताजरों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज पुलिस ने लॉकडाउन के बावजूद बगैर इजाजत दुकानें खोलने पर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सदर हमाद पूनावाला समेत 6 ताजरों को गिरफ्तार किया था। दूसरी जानिब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताजर रहनुमा हमाद पूनावाला ने कहा कि हम पर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन हमने तमाम टॉर्चर्स का सामना किया है। गुज़िश्ता रोज हमने सिर्फ डेमो दिया था, हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि कराची के ताजरों को लॉकअप किया गया। सोल्यूशन निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें जो है वो प्रेशराइज करने के लिए काम किया गया। आप देखिए, हमें हथकड़ी लगा के लाया गया है, लॉकअप में रखा गया, लॉकअप से बाहर नहीं निकाला गया। क्रिमिनल्स को बाहर बैठाया जाता है, लेकिन हमें लॉकअप में रखा गया।